नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने रहे, बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का ताजा सिलसिला। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सेहरा बदने से पहले ही उठ गई सिद्धार्थ उर्फ गुडला की अर्थी। कोटे का विवाद बना हत्या का कारण। पिता की तहरीर पर 5 नामजद 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में जुटी है। बता दें कि बीती रविवार की रात 10 बजे सिद्धार्थ उर्फ गुडलक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी गजेंद्रपट्टी भदौरा का उनके घर के समीप बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह विगत 6 माह पूर्व मृतक सिद्धार्थ उर्फ गुडलक के पिता का सरकारी खदान कोटे की दुकान थी। इसे लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा था कि लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए अनिल के कोटे का निरस्तीकरण तक करवा दिया था। पिछले 6 माह से इनका कोटा निरस्त पड़ा है, जिसे लेकर गांव में गुडलक के परिवार तथा अन्य लोगों के बीच रंजिश चल रहा है। मृतक के पिता अनिल सिंह ने बताया कि मेरा भतीजा शुभम सिंह आया और बताया कि गुडलक सिंह को कुछ लोग बुला रहे हैं। यह सुनकर गुडलक, शुभम तथा मैं तीनों लोग बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां पहले से ही घात लाकर बैठे लोगों ने पहुंचते ही गुडलक के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से गुडलक तुरंत गिर पड़े तथा गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। शोर शराबा और अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से गुडलक को अतरौलिया स्थित एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे अतरौलिया थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता तत्काल हरकत में आए और शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बता दें कि गुडलक सिंह अपनी 2 बहनों के बीच इकलौता पुत्र था, जिनका 30 मई को तिलक तथा 5 जून को आजमगढ़ की जीनपुर थाना अंतर्गत शादी तय थी तथा घर में बारात की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। गुडलक की माता लक्ष्मी देवी तथा उनकी दोनों बहनों का रो रोकर बुरा हाल है। वही माता लक्ष्मी देवी बेटे की शादी की तैयारी का सामान देकर रो रोकर बुरा हाल हुआ है। अतरौलिया थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ जगह जगह पुलिस टीम बनाकर दाबिश दी जा रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि मृतक के पिता और उनके रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा। अनिल कुमार, क्या घटना घटी थी आपके बेटे के साथ कल रात में, ये बता दीजिए। 8-9 बजे फोन से बुलाए के उसके बाद गोली मार दी। कितने गोली मारा आपको जानकारी? पवन कुमार सिंह सनाफ जनार्दन सिंह और सोनू सत्येंद्र सिंह और सोनू सिंह। क्या पुरानी रंजिश चल रही थी उनसे? कुछ पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, वो कोटा कोटी का था। उसके बाद उसमें वो वही कुल मेटल लेकर अपना काम कर। ये सुनने में आया कहीं खाना खाने गए थे, खाना खाने के बाद लौट के आ रहे थे तब गोली मारी। फोन से बुलाए गए थे। लास्ट कॉल फोन बुलाया था फोन से सर? अब लास्ट कॉल मोबाइल ना मिले ले, बनमास मार के मोबाइल भी लेके निकल गए हूँ। कहाँ कहाँ गोली लगी सर जानकारी? एक गोली खाली यहीं लगे ले सिर में। तो कल रात में आपके साथ क्या प्रशासन ने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रशासन ने अभी 2-1 लोगों को लिया, अभी कुछ तक नहीं। हाँ जी, मरणेंद्र सिंह। क्या कल क्या घटना घटी थी इसके बारे में बता दीजिए। घटी थी, लड़का घर पर था, वहाँ भट्टा पर प्रोग्राम वोग्राम था, थोड़ा किसी फौजी का भट्टा उठा है। इसके बाद वहाँ फ़ोन करके उसको बुलाए लोग, और बुलाने के बाद उनको गोली मार दिए। और लोग बुलाए थे उनको आप जानते हैं? नाम अब वही बता रहे हैं जो कुछ और अज्ञात लोग, कुछ और अज्ञात लोग उसके साथ जो बुला करके गोली मार दिए। अब ये देखिए सरकार की मंशा कि जहाँ घोर गड्ढा है बंजर, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के घर में बुलडोजर आ रहा है, कोई जा रहा है ना जा करके वहाँ। हाँ चढ़े तभी दहशत फैलेगी, नहीं तो इसी तरह से आम जनता इसकी मारी जाएगी, सबका कुछ नहीं हो पाएगा। रात्रि लगभग 9:45 बजे ग्राम भदौरा थाना अतरौलिया में मोहल्ले के लड़कों में आपस में कहा सुनी होने के उपरांत गुडलक सिंह नामक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। तात्कालिक कारण खाना खाने के स्थान पर तेजी से मोटरसाइकिल ले जाने के उपरांत उत्पन्न विवाद बताया गया है। पुलिस सत्यता जानने के लिए गहनता से पूछताछ कर रही है। इस प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़ द्वारा पद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम एक स्थानीय होटल में किया गया। प्रांतीय रीजनल सचिव संस्कार एवं एलिट शाखा के संरक्षक अशोक अग्रवाल एवं काशी प्रांत से आए प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह, प्रांतीय वित्त सचिव डॉक्टर अनिल सिंह, प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती रंजना केसरी का आगमन हुआ।
पद शपथ ग्रहण समारोह में दायित्वधारी अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने के स्थान पर गिरिराज सिंघल, सचिव पंकज अग्रवाल के स्थान पर शिखा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गिरिराज सिंघल के स्थान पर राजेश अग्रवाल, महिला संयोजिका शिखा अग्रवाल के स्थान पर लतिका अग्रवाल ने पद शपथ ग्रहण किया। प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह द्वारा सभी दायित्वधारियों को शपथ दिलाई गई। पद शपथ ग्रहण समारोह में 15 प्रमुख प्रकल्प बनाए गए जिसमें सभी दायित्वधारियों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर 8 नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया एवं उन्हें पिन पहनाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने काशी प्रांत से आए सभी दायित्वधारियों एवं आजमगढ़ के सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला संयोजक रमाकांत वर्मा, मुख्य शाखा के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्त, सचिव सीताराम पांडे, अदर शाखा के अध्यक्ष श्रीमती छाया अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि में अशोक वर्मा, सुदर्शन दास अग्रवाल, सर्वेश राय, जी आर विश्वकर्मा, अशोक श्रीवास्तव, अनूप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल एवं एलिट शाखा के सदस्य अरविंद अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, रवि भूषण गर्ग, गिरीश अग्रवाल, आशीष गोयल, ओम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, मुकेश बर्नवाल, सुंदरम अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, सलील गर्ग, अनिल अग्रवाल, साकेत अग्रवाल, श्री अग्रवाल, गौरव अग्रवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रुति अग्रवाल ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव सिद्धार्थ सिंह के द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, भारत विकास परिषद रीजनल सचिव। भारत विकास परिषद समाज में सभी को संस्कारित करना और भारतीय संस्कृति से सबको अवगत कराने के लिए कार्य कर रही है। इस समय भारत विकास परिषद जो हमारे समाज में पश्चिमी संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता में लड़के और समाज के लोग उसमें डूब जा रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, उन्हें पुनः हम संस्कारित करने का कार्य करते हैं और उनको इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी है, उसे हम ना भूलें और विदेशी सभ्यता के दुष्प्रभाव से बचें। ये कार्य भारत विकास परिषद कर रहा है और इसके साथ साथ सेवा के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जैसे विकलांगों को हम उनको आर्टिफिशियल लिम्ब्स प्रदान करते हैं, हाथ पैर जिनके कट गए हैं उन्हें हम मुफ्त में प्रदान करते हैं। सेवा के ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे महिलाओं में रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हम एक पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि महिलाओं में जो ब्लड की कमी हो रही है उसके क्या कारण हैं, उससे उन्हें अवगत कराना और उससे दूर करने के लिए उन्हें जो आवश्यकता है, जैसे आयरन की कमी से होता है तो आयरन कैसे उपलब्ध हो, आयरन उन्हें उपलब्ध कराते हैं और उनको सिखाते हैं कि साफ़ सफाई से रहना सीखें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, देश की उन्नति में वो सहायक बने। मैं CA मुकुल कुमार शाह, प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2। क्या कार्यक्रम है आज? हमारी आजमगढ़ लीड शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह है जिसमें हम लोग क्या उपस्थित हैं। क्या क्या सम्मानित किया गया, क्या क्या उद्देश्य इसके, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो नई इस शाखा के जो नए अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, नए संयोजिका हैं, उनको दायित्व ग्रहण कराने का समारोह है ये, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रोग्राम में नई टीम को दायित्व दिया गया और जितने भी कार्य किए गए विगत वर्ष में उसमें लोगों का सम्मान हुआ। अभी भी कहीं ना कहीं गरीबियाँ हैं तो आपकी संगठन कैसे काम करेगा? हमारा संगठन का जो मुख्य कार्य है वो सेवा, संपर्क, संस्कार इत्यादि का है और हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। इसमें बात गरीबी अमीरी की नहीं है, मुख्य उद्देश्य सेवा का है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा हो, नेत्रदान हो, कुछ भी होता है हम लोग उसमें काम करते हैं। साथ में संस्कार में जो बच्चों को भारत जानो है, समूह गान वगैरह के प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि जो संस्कार विलुप्त हो रहा है और पश्चात संस्कार आ रहा है उसको संस्कार देने का काम करते हैं। और ये खबर जैनपुर से है जहाँ पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू द्वारा अपराध से अर्जित धन के अपने पटेदार के नाम छपरा स्थान पर भारत की एजेंसी का भवन गोदाम जो भूमि पर नहीं पता संपत्ति कुर कार्रवाई की गई। बता दें कि
कुंटू सिंह माफिया होने के कारण अपने नाम पर गैस एजेंसी नहीं ले सकता है। इस गैस एजेंसी के संचालन गुप्त रूप से माफिया कुंटू सिंह करता है। माफिया के प्रभाव और दहशत के कारण आसपास के गांव के लोगों द्वारा वहां कोई नया कनेक्शन नहीं लिया जाता था, नया एजेंसी लिया जाता है। इस एजेंसी में होने वाले लाभ गुप्त रूप से माफिया कुंटू सिंह के पास चला जाता है, जिसका उपयोग वो मुकदमे में पैरवी व गवाहों को धमकाने में करता है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कुंटू सिंह जो जीएलपुर का है, इसके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति जो अंकिता सिंह और उमेश सिंह के नाम से थी, जिसकी वैल्यू 8,09,000 रुपये है, आज पुलिस के द्वारा जब्त की गई। इसका गैस गोदाम था, उसको जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो इसी तरह जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती रहेगी। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि आज जहां न्यायालय सिविल जज सीडी वाराणसी ने पत्रावली आज वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत कार्रवाई की गई और प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दे। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की ही इजाज़त दी जाए और उन्हें यजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगढ़ द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन पाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दे। जिलाधिकारी वाराणसी को भी आदेशित किया गया है कि वह मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज पहाड़पुर तिराहा पांडे बाजार बागेश्वर नगर कोलबाज बहादुरपुर आदि स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बारिश के समय जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए जल्द से जल्द सभी नालों की सफाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि समय से पूर्व नाली से अतिक्रमण को हटाकर नाली की सफाई एवं शहर के संपूर्ण पंप हाउस को ठीक करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेंद्र कुमार सिंह के प्रोक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मड़ियाहों अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी, अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत लाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष वर्सटी व पुलिस टीम सर्विलांस टीम के सहयोग से अभियुक्तगणों के बीटीएस एवं लोकेशन की जानकारी पर मध्य थाना हाजा क्षेत्र के ग्राम गहली कठार में एक स्वर्णकार से अज्ञात अभियुक्त द्वारा सफेद पाचे से लूट घटना कर दी गई थी, जिनमें अभियुक्त अभिषेक पांडे और भीम पुत्र विजय मणि पांडे निवासी चनेथु थाना सराय मरीज जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है। 2022 को थाना बरसठी के अंतर्गत ग्राम गहली कठार में एक सराफा के व्यापारी से स्वर्णकार से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसके जेवरात लूट लिए गए थे। ये घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि अज्ञात अभियुक्तों ने इसमें लूटपाट की थी और वो मौके से भाग गए थे और पीड़ित स्वर्णकार को चोटें भी आई थी। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के निर्देशन में थाना बरसठी की थाना प्रभारी, उनकी टीम और सर्विलांस प्रभारी, उनकी टीम और स्वाट, ये सब लोग मिल करके बहुत ही इसको पेशेवर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन लोगों ने इस घटना का अनावरण किया है। और इस घटना को अंजाम देने वाले जो दो अभियुक्त थे मुख्य रूप से, उसमें एक अभियुक्त जो अभिषेक पांडे निवासी चनेथू या सराय ममरेज का रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी जो की गई वो सूरत से, बड़ोदरा सूरत से की गई 9 मई को, और ट्रांजिट रिमांड पर ला करके और इससे रिकवरी की गई, 6,170 रुपये की रिकवरी की गई, और 13 मई को इसको जेल भेजा गया। इसके बाद जो दूसरा मुख्य अभियुक्त प्रवीण मिश्रा, ये थाना मीरगंज क्षेत्र चनेथू का रहने वाला है और ये काफ़ी शातिर अपराधी है, इसको भी गिरफ्तार बेंगलोर से किया गया 10 मई को, और इसकी निशानदेही पर इसके पास से 6,420 रुपये
रिकवर किए गए और लूट के आभूषण भी बरामद किए गए हैं और इसके पास से एक तमंचा, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया है। घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और एक अन्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में शामिल था, जिसको प्रकाश में लाया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास की जा रही, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से घटना का सफल अनावरण हुआ है और इस घटना में शामिल जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे, अभिषेक पांडे और प्रवीण मिश्रा, इन दोनों गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके कब्जे से नकद जो अमाउंट थी वो कुल मिलाकर 12,590 रुपये, सोने की 4 जीवतिया, सोने का 12 लंबा दाना पेंच, 10 मोती की माला, चांदी की 5 जोड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मामले को अब लगातार सुनवाई कर रहा है। पिछली 12 तारीख को सुनवाई हुई, आज 16 तारीख को सुनवाई हुई और अब इस मामले की लगातार डे टू डे हियरिंग के आधार पर कल भी सुनवाई हुई, जिसमें अनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड अनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब लगातार इसको सुन रहे हैं। और आज ये बात सामने निकल के आई कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा में सहभागिता 40% है और केंद्र सरकार की 60% है, 60-40 के रेशियो से आपको बाइफर्केशन करना है फंड का, तो इसमें जबकि यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार लगातार सर्व शिक्षा अभियान के तहत और बोर्ड गठित करके जिसमें उन्होंने गठित किया है, जो उन्हीं के डायरेक्शन में है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है इस शिक्षा के मामले में कोई पैसे में कोई रुकावट नहीं है और इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 बार लेटर लिखे हैं। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने 3 बार लेटर लिखे हैं जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी अनुदेशक का पैसा किसी तरह से नहीं रुकना चाहिए और उन्होंने अनुमोदन किया कि 17,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए, 7,000 उनके ऊपर टॉर्चर है, क्रुएल्टी है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता 7,000 से, तो उसके आधार पर बीच में बढ़ाया भी गया और उसके बाद भी फिर रोक लिया गया। कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इतने आदेश हैं जिनमें बढ़ी हुई सैलरी आज के ज़माने में पीछे वापस नहीं ली जाती है, कम नहीं की जाती है, घटाई नहीं जाती है। और इसी बाबत इस मामले में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अनुदेशकों का ये 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मामला है और जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और अच्छी बात यह है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस मुनीर साहब इस बात को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बात रखी, जिसमें वो कहीं भी अपील तो उन्होंने डाली है, क्योंकि सिंगल बेंच ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों के हित में 17,000 की तनख्वाह का आदेश पास किया था, उसके आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डबल बेंच में अपील में आई है, जिसके आधार पर सुनवाई और कल भी इसकी लगातार सुनवाई होगी और हमें आशा ही नपित पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की तनख्वाह 17,000 होगी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा कि सुनवाई कर आप देख रहे हैं लगातार कर रहा है, उसमें हमारे हक में फैसला आएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी। उनकी गरीबी अर्थव्यवस्था है उसको समानता है, क्योंकि अब माननीय मोदी जी की सरकार ही डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के। खबर आपको प्रयागराज के नैनी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैसाखी पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को सत्य, त्याग, अहिंसा व मानवता का संदेश दिया है। उनके उत्कृष्ट विचार मानव पीढ़ी को निरंतर जन सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। इसी के साथ शुभकामनाएं देने वालों में संजय श्रीवास्तव, ऋषिकेश प्रजापति, दिलीप ठाकुर, सत्यनारायण यादव, राजेश थापा, दलजीत कौर, हरमन सिंह जी आदि ने अपने अपने विचार रखे। प्रयागराज से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत पीटीआई टीचर अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिए जाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी।
राज्य सरकार की विशेष अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की विशेष खंडपीठ के समक्ष विशेष सुनवाई हुई। यूपी के 27,555 शिक्षकों की याचिका की तरफ से अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से भारत के जाने माने वकीलों में शुमार डॉक्टर ए पी सिंह ने अनुदेशकों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष अनुदेशकों का पक्ष रखा। विदित रहे कि 12 मई को मामले की सुनवाई के लिए अनुदेशकों की तरफ से वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष मेसिनिंग करके जल्दी सुनवाई करने की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने ठीक 12 बजे और सभी केसों को छोड़कर अनुदेशकों के केस की सुनवाई शुरू हुई। 1 घंटा 20 मिनट बहस चलने के बाद छोटी डेट दिए जाने के वकील डॉक्टर एपी सिंह के आग्रह पर आज 16 तारीख के लिए 11:30 पर मामले को रखा गया। प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2017 में 17,000 मानदेय देने का आदेश दिया था, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस आदेश का भी पालन नहीं किया। फिर डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व रह जाएगा। वही राज्य सरकार की ओर से एमसी चतुर्वेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता सुरेश सिंह, एडिशनल चीफ स्टडिंग काउंसलिंग एवं डॉक्टर एलपी मिश्रा ने दलीलें रखी। विशेष खंडपीठ ने 11:30 बजे से लेकर 1:15 बजे तक बहस सुनने के बाद मामले को कल यानी 17 तारीख को रखा है। गौरतलब है कि प्रदेश के 27,555 पीटीआई टीचरों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिए थे, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने टीचरों को 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार में विशेष अपील दाखिल की थी। इसी अपील में टीचरों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उनके साथ विक्रम सिंह अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ ब्रजेश त्रिपाठी, अनुराग, आशुतोष शुक्ला आदि सैकड़ों अनुदेशक मौजूद रहे। आइए सुनिए डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। का मामला है 27,000 प्लस है उसमें पूरे प्रदेश के अनुदेशकों के लिए याचिका थी, क्योंकि अनुदेशकों के लिए अनवर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 17,000 रुपये सैलरी डिसाइड की थी प्लस 9% के हिसाब से निवेश के आधार पर देने के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में चली गई उस अपील के खिलाफ, जिसके अगेंस्ट अब सुनवाई हो रही, क्योंकि 17 से अब तक सुनवाई नहीं हो पाई, कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कोरोना का था जो नहीं हुआ। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जस्टिस जे पी मुनीर साहब उसको सुन रहे हैं लगातार। 12 मई को सुनाई और उसके बाद सपहरे से छुट्टी थी, तो आज 16 मई के लिए डेट थी, आज भी सुनवाई हुई और कल के लिए मैटर को रखा है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों 27,000 प्लस से जुड़ा हुआ है, उनकी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। 7,000 में कैसे वो अपना जीवन यापन करके उत्तर प्रदेश की शिक्षा का भार उठाए हुए हैं और भी कार्य करते हैं, उसके पाँच पंचवर्षीय योजना में 3 बार तो चुनावी हो लेते हैं, उनमें भी कार्य करते हैं, ये सब जिम्मेदारियां हैं, निभा रहे हैं और ये चीज़ आगे भी जानी चाहिए। और अनरेबल हाईकोर्ट, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अनुदेशकों की बात को मानेगी और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील डाली है उसको डिसमिस करेगी, क्योंकि इसमें 60% और 40% का रेशियो होता है। इसमें 60% यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार को देना पड़ता है, जो वो दे रहे हैं, उनके 3 लीडर हमारे पास हैं, उन्होंने काम सारा फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, दे भी रहे हैं, और 40% राज्य सरकार को निर्वाह करना है, उस पर अपना चीज़ों को करना है, तो वो इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन उनका था, उनकी अपील डाल ली गई, अब अपील पर सुनवाई हो रही है और मुझे आशा ही नहीं उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या का समाधान होगा। 17,000 रुपये उनको मिलेंगे और साथ में हमारी ये भी उसमें रिक्वेस्ट कर होगी कि जो उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में हो जाते हैं, उनके ट्रांसफ़र भी एक ही ब्लॉक में होना चाहिए। ऐसा जियो है कि अनुदेशकों का ट्रांसफ़र एक ब्लॉक के गाँव के स्कूलों में ही हो, जिससे उन्हें आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। 125 रुपये डीजल पेट्रोल हो रहा है, अगर उन्हें आना जाना पड़ता है, टाइम से पहुँचना पड़ता है, तो उनका तो 9,000 रुपये सैलरी, 7,000 रुपये 2,000 घर से लग जाएंगे, तो ऐसा ना हो। पति पत्नी वाला मामला भी है जो एक ही ब्लॉक में किया जाए, जिससे कि वो भी अपने संबंधों का निर्वाह कर सके, समय पर पहुंच सके, ये हमारी मांग है और उसमें कल भी सुनवाई है। हमें आशा है लेबर हाईकोर्ट इलाहाबाद इस मामले को, अब जब मैं इसमें पहुंचा हूं, लगातार सुनवाई हो रही है, तो मैं यहाँ रहकर सुनवाई कर रहा हूँ। आशा है इसमें अनुदेशकों की जीत होगी इस देश के। अतरौलिया से खबर है, जहां आज सोमवार को ब्लॉक परिसर अतरौलिया में ब्लॉक के समस्त ग्राम सभाओं से कम 100 नवयुवकों को बुलाकर अग्नि सचेतक योजना के अंतर्गत स्वयंसेवक के रूप में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 3 दिन चलेगा।
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 3 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत फायर स्टेशन सर्विस पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण इन्हीं नाविकों को दिया जाएगा, जिसमें फायर सर्विस के निम्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर SFSD लक्ष्मण यादव ने बताया कि ग्रामीण नाविकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आग लगने की घटनाओं से बचने तथा उससे कैसे बचा जाए और कैसे अन्य लोगों को बचाया जाए उसके बारे में बताया गया। यही नवयुवक गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे लोगों के अंदर अधिक से अधिक जागरूकता आएगी। तत्पश्चात इन्हें 4 दिवसीय प्रशिक्षण फायर स्टेशन सर्विस पर दिया जाएगा। इसमें लोगों को अग्निशमन यंत्रों और संसाधनों से परिचय कराते हुए जानकारी दी जाएगी तथा आग पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस मौके पर ली फा मैन रूप नारायण मिश्रा, FSD लक्ष्मण यादव, फायरमैन आदित्य कुमार, होमगार्ड धर्मदेव यादव, पंकज चौबे, बली कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। आज सुनाते हैं कि FSD लक्ष्मण यादव ने क्या कुछ कहा। फायर द्वारा इसके बारे में बताइए। आज ये ब्लॉक में अग्नि सचेतक योजना के तहत प्रशिक्षण नौजवानों को दिलाया जा रहा है। ग्रामीण नौजवानों को आग की कैसे लगे ही न लगे तो उसको कैसे आप उस पर काबू पाएं, इससे जागरूक किया जा रहा है। वो नौजवान जाके गांव में लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे जनता जागरूक होगी, अग्निकांड की घटनाएं कम से कम होगी। लेकिन जागरूक करने के बाद क्या परीक्षण में लड़कों को बताया जा रहा है कैसे आपको काबू पाया जाए? जी, सरकार की मंशा अनुसार 3 दिनों का प्रशिक्षण रखा गया है। आज और कल परसों 3 दिनों यहाँ प्रशिक्षण चलेगा। कम से कम एक ब्लॉक में 100 स्वयं सेवकों को तैयार करना है, आग से प्रशिक्षित करके ही आग बुझाने का प्रशिक्षण देके कम से कम 100 नौजवानों को तैयार करना है प्रत्येक ब्लॉक में। प्रशिक्षण जब ये लोग यहाँ से प्राप्त कर लेंगे तो इसके उपरांत 4 दिवस का ट्रेनिंग फायर स्टेशन पे ही दिया जाएगा, जहाँ पे जो भी फायर इक्विपमेंट हैं, जो भी आग बुझाने के संसाधन हैं, उनसे इनको परिचित कराया जाएगा, ताकि अग्निकांड पे अगर ये गांव में मिलते हैं इनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा और उन उपकरणों के द्वारा ये हमारी मदद करेंगे, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सकती है। प्रमाण पत्र दिया जाएगा जब ये 3 दिवस यहाँ 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो उसके उपरांत इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास में अमृत सरोवर योजना के तहत पहले चरण में 10 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें सोमवार को सुबह 11 बजे बड़ागांव पुनापार व पुरुषोत्तमपुर कैथोली ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना के तहत शहीद सौदागर सिंह अमृत सरोवर बड़ागांव पुनापार व स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद अमृत सरोवर पुरुषोत्तमपुर कैथोली का ग्राम प्रधान अरुण श्रीवास्तव ने मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। वही प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने नारियल फोड़कर अमृत सरोवर योजना कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी संतोष यादव ने बताया कि जल संचयन व गांव के सुंदरीकरण के लिए शासन के निर्देश पर पहले चरण में चयनित 10 गांव में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसे 15 अगस्त तक पूरा कार्य पूरा कर सुपुर्द किया जाएगा। अमृत सरोवर के चारों तरफ इंटरलॉकिंग छायादार वृक्ष पक्की सीढ़ी व बैठने के लिए समुचित व्यवस्था के साथ सुंदरीकरण के लिए अन्य कार्य कराए जाएंगे, जिससे एक आदर्श अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान शहीद पुत्र वधु अंजना सिंह, ग्राम प्रधान सोनू सिंह, जय सोएब अंसारी, अमरीश मौर्य, धर्मेंद्र कुमार, रोजगार सेवक रीता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद अमृत सरोवर योजना का भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, गाँव के विकास के लिए नियुक्त की जा रही है। इसमें भूमि पूजन के बाद इसमें तालाब की खुदाई, इसकी सीढ़ी, इंटरलॉकिंग पथवे, पेड़, मतलब ये एक तरह से मॉडल पोखरे का देख रेख किसकी, गांव में सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग हैं, सब लोग देख कर गाँव की जनता करेगी इसमें देख रेख। पौधे की देख रेख करने के लिए तो हम लोग हैं, कुछ उसकी व्यवस्था नरेगा साफ सफाई की व्यवस्था सफाई कर्मचारी हैं और अपने तरफ से भी किया जाएगा। कब तक तैयार हो जाएगा? अभी तो शुरू है, हमको लग रहा है कि 1 साल का समय पूरा हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। कार्यक्रम आज भारत सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर की कल्पना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया था। हम जल संरक्षण से लेके और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी न हो, इस नाते इस पोखरे को हम ऐसा आउटलेट इनलेट के माध्यम से बनाएंगे कि स्वच्छ पानी हमेशा यहाँ भरा रहे और जो अगल बगल के बंधे रहेंगे उस पर हम
पीपल से लेके पाकड़ से लेके जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ऐसे पौधों को लगाकर और गांव के जन सहयोग से हम इसको पाथवे प्लस हम यहाँ बैठने की व्यवस्था, सोलर लाइट, ऐसी सारी सुविधा देंगे कि बंधों के माध्यम से एक पर्यटक स्थल के रूप में अमृत सरोवर के नाम से यह डेवलप हो। हर ग्राम सभा में यह 10 गांव सभाओं में, अजमतगढ़ ब्लॉक में 10 गांव सभाओं में। सर ये किस तरह का कार्यक्रम था जी? ये अमृत महोत्सव के शुभारम्भ का कार्यक्रम था, अमृत सरोवर का। अमृत सरोवर के अंतर्गत ये तालाब को इस तरह विकसित किया जाना है जिससे 10,000 घन मीटर पानी आ सके और इसके बंधों पर पाथवे का निर्माण किया जाना है जो लोगों को सुबह के समय घूमने टहलने के काम आएंगे और बंधों पे पीपल बरगद जैसे छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे और एक सीढ़ी का भी निर्माण किया जाएगा जिससे कि लोग एक उचित जल स्तर तक सीढ़ी बनेगी ताकि लोग जा सके और सिल्टिंग चैम्बर बनेंगे, इनलेट आउटलेट की व्यवस्था होगी, मतलब पानी जहां से आएगा और अगर पानी अधिक होता है तो उसको बाहर निकालने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा डी सिल्टिंग चैम्बर के माध्यम से जो पानी मृदा के कण जिसमें रहेंगे वो सीधे सागर में न पहुंच सके इसकी व्यवस्था की जाएगी और पानी। रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीएसी के क्रूट अध्यक्षों की 8 टीमों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। इसमें टोली 1 प्रथम स्थान पाकर विजयी रही, टोली 6 दूसरे स्थान पायदान पर रही, टोली 4 को तीसरा स्थान मिला। तत्पश्चात संपूर्ण आरटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आरक्षियों में से एक टीम और रिजर्व पुलिस लाइन की टीम से फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ की टीम विजयी रही। वॉलीबॉल मैच का समापन अपर पुलिस अधीक्षक नगर सलनाल द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर सौम्या सिंह व प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ उपस्थित थे। नैनी प्रयागराज से खबर है जहां बैसाखी पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पदविंदर सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने शिक्षा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को सत्य, त्याग, अहिंसा व मानवता का संदेश दिया। उनके उत्कृष्ट विचार मानव पीढ़ी को निरंतर जनसेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पदविंदर सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। शुभकामनाएं देने वालों में संजय श्रीवास्तव, ऋषिकेश प्रजापति, दिलीप ठाकुर, सत्यनारायण यादव, राजेश थापा, दलजीत कौर, हरमन सिंह आदि ने अपने विचार रखे। सर आपका परिचय? मैं अरुण कुमार राय, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संतु राय का पाले हूँ। सर आपके द्वारा किस तरह का पूजन किया जा रहा है? सर यहाँ अमृत सरोवर का पूजन, भूमि पूजन किया गया है जिसमें मेरे माननीय प्रधान द्वारा बहुत श्रद्धा सुमन के साथ सुंदर सेनानी के नाम और इतिहास का वर्णन किया गया। इसमें मैं आप लोगों को एक 4 लाइन की कविता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कि आज़ादी के दीवानों ने यह शब्द नियाज दिखाया, हृदय द्रवित है हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया। जिन वीरों ने स्वच्छंद भाव यह भारत पर लहराया, मिला न उनको एक दिवस भी जिनकी शीतल छाया। आप ही देश के रक्त कांतिमय, आप ही राष्ट्र निर्माता, आओ इस स्वतंत्र भाव पर यह भारत यह धरती तुझ आपको बुलाती। अमृत सरोवर। आजमगढ़ जनपद से खबर है जहां 16 मई को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह और हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधी बलराम यादव पुत्र सुंदर यादव निवासी गोपालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को गोपालपुर मोड़ पुलिया से करीब 10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जमा तलाशी से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और चालान किया गया। थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही स्थानीय थाने पर लगभग आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही बिलरियागंज, राजपुर, सुल्तानपुर, जैनपुर, कोतवाली थानों में भी मुकदमा पंजीकृत है। तो वही फूलपुर पुलिस ने भी सातिर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र द्वारा स्थापित जूनियर बालिका विद्यालय पर उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने तथा ताला तोड़कर अभिलेखों को गायब करने का विद्यालय प्रबंधक द्वारा आरोप लगाया गया है। पंडित ने अपने जीवन काल में क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना किया। उसी क्रम में वर्ष 1986 में जन सहयोग से अपने पैतृक गाँव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक जूनियर बालिका विद्यालय की स्थापना उनके द्वारा की गई, जो आज अस्थायी मान्यता प्राप्त है। विद्यालय पर उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने रविवार को शिक्षक व कर्मचारियों की गैर मौजूदगी में विद्यालय का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया तथा विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब कर दिया। जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधक ओंकार मिश्रा ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में विद्यालय के नाम से भूमि दर्ज है, जबकि आरोपी ने विद्यालय के बजाय पंडित जी को व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाकर न्यायालय में एक वाद दाखिल किया तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्रों को पार्टी बनाकर न्यायालय से डिग्री पारित करा ली गई। रविवार को विद्यालय स्टाफ की गैर मौजूदगी में बगैर किसी प्रशासनिक आदेश के विद्यालय का ताला तोड़कर कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया तथा विद्यालय के अभिलेखों को गायब कर दिया गया। आरोपी द्वारा जिस भूमि पर मालिकाना हक बताया जा रहा है वह विद्यालय के नाम से दर्ज है। उक्त प्रकरण की शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे ने कहा कि आरोपी के पक्ष में दीवानी न्यायालय से आदेश पारित हुआ है, जिसके आधार पर वह मालिकाना हक जता रहा है। आदेश का अध्ययन करने के पश्चात उचित निर्णय लिया जाएगा। भदोही में समस्त क्षेत्र अधिकारीगण व थाना चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया जा रहा है पैदल गश्त। प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, मय पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। शासन द्वारा बालिकाओं, महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षार्थ जनपद में गठित टीम एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। कोई गांव में लड़का कुछ कर रहा है, जैसे किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तुम लोग फोन करना, इस नंबर ठीक है, नंबर याद है 10981-112। भदोही में मिशन शक्ति अभियान के तहत भदोही पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है महिला जागरूकता अभियान। समस्त थानों के महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो टीम द्वारा मंदिर, कोचिंग सेंटर, बाजारों, प्रमुख मार्गों आदि पर भी चेकिंग की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज शासन द्वारा बालिकाओं, महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया गया।